सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि शकरकंद की अगर वैज्ञानिक खेती की बात की जाए तो किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं? शकरकंद एक झारखंड की एक मुख्य फसल है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके लिए इसके जलवायु की अगर बात करें तो इसकी अच्छी खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और अगर मिट्टी की बात करें तो जल निकासी वाली हल्की दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 5.8 से लेकर 6.7 तक होनी चाहिए। और जहाँ तक खेत की तैयारी करने की बात है तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए, और दूसरी जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। और जहाँ तक इसकी बुआई का समय का बात है तो ये जून जुलाई में इसकी बुआई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पौधशाला में पौधे तैयार करते हैं। फरवरी मार्च में हम कंद को का बुआई करते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर पे, और जब लतर जून जुलाई में बड़ी हो जाती है तो उसको हम काट के उसकी बुआई करते हैं। तो इसकी बुआई करने के भी दो विधि हैं। एक टीला विधि है जिसमें हम लोग लगभग 1.5 से 1.5 फीट दूरी पर और 1.5 से 1.5 फीट ऊंचाई हम लोग टीला बनाते हैं, और लगभग 2 से 2.5 फीट का लतर लेके 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई पे हम लोग उसको गाड़ते हैं। और दूसरी रोपाई की विधि है मेड़ एवं गड्ढा विधि। इसमें हम 20 सेंटीमीटर लतर का कटिंग लेते हैं और 20 सेंटीमीटर की दूरी में 2 फीट लाइन से लाइन की दूरी में हम लोग 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पे उसको रोपाई करते हैं। श्री भद्रा एक अधिक उत्पादन देने वाली कम अवधि वाली 90 से 105 दिन की अवधि की किस्म है। उसके कंद का रंग गुलाबी होता है और अंदर से जिसको गुदा बोलते हैं वो क्रीम रंग का होता है। उसी तरह एक वैरायटी है कलिंगा। कलिंगा जो वैरायटी है वो 90 से 100 दिन की है। ये वैरायटी का कंद बाहर से बैंगनी लाल होता है और अंदर से क्रीम रंग का होता है। और एक वैरायटी है गौरी। गौरी 110 से 110 दिन की अवधि की किस्म है। ये अंदर से ये पीला रंग का होता है और बाहर से ये बैंगनी लाल रंग का होता है। उसी तरह एक किस्म है भू सोना। भू सोना में की उपज क्षमता 19.8 टन है लगभग, और इसके कंद का रंग नारंगी रंग का होता है। और एक किस्म है श्री कृष्णा। ये किस्म बैंगनी रंग का होता है और इसकी उपज क्षमता लगभग 18 टन प्रति हेक्टेयर है। बिल्कुल, तो ये तो ये भू सोना और एक भू कृष्णा। बिल्कुल 80 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 103 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। तो पोटाश और डीएपी उसकी पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा को रोपाई के समय हमें देनी चाहिए, और आधी मात्रा जो यूरिया की है उसे हमें मिट्टी चढ़ाने के समय 30-35 दिन के बाद देनी चाहिए। उसके अलावे जैसे कि हम जानते हैं हमारी मिट्टी अम्लीय है, तो 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चूना और 2 केजी प्रति हेक्टेयर बोरान का भी हमको छिड़काव उपयोग करना चाहिए।